आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। बक्सर विधानसभा से भाजपा से परशुराम चतुर्वेदी ने दाखिल किया नामांकन। बोले, इस चुनाव में मेरे प्रतिद्वंदी को रियल पहलवान से सामना करना पड़ेगा। बक्सर की दो सीटें पूरे प्रदेश के लिए हॉट सीट बनी हुई थी। पूर्व में पार्टी ने बक्सर सीट से पुराने पार्टी कार्यकर्ता परशुराम चतुर्वेदी को अपना उम्मीदवार घोषित करने के बाद आज अनुमंडल कार्यालय बक्सर में भाजपा के परशुराम चतुर्वेदी ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद मीडिया के सामने कहा कि अब की बार इस बक्सर के विधानसभा चुनाव में दिग्गजों को असली पहलवान से मुकाबला करना पड़ेगा। कुल मिलाकर उनका इशारा पूर्व कांग्रेस विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी के तरफ था, जो कि उन्होंने कहा था कि हमारे जैसा राजनीति में कोई पहलवान नहीं है। जो कि उपरोक्त बातों को लेकर श्री चतुर्वेदी ने कहा कि अभी उनका असली पहलवान से सामना हुआ ही नहीं है, असली पहलवान से तो अब मुकाबला होगा। आपको बताते चलें कि परशुराम चतुर्वेदी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हैं, सदर प्रखंड के महदह गांव के निवासी हैं। इसके बाद पार्टी ने भी उनके नाम की अधिकृत घोषणा कर दी और उन्होंने आज नियमों का अनुपालन करते हुए बक्सर के अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। भैया, कार्यकर्ता को सीट मिला है भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभी कार्यकर्ता खुश हैं। काफी जद्दोजहद के बाद आपको जदोजहद नहीं, पार्टी नेतृत्व को करना होता है। पार्टी नेतृत्व ने अपना किया, लेकिन नाम पहले कभी आता नहीं आ रहा था इसमें, लेकिन एक बैक नाम आया, आपने पर्चा भी कर लिया। भैया, हम तो वर्षों से काम यहाँ कर रहे हैं ना, वर्षों से काम रहे। अच्छा, निवर्तमान विधायक संजय तिवारी ने कल कहा कि मेरे अलावा कोई पहलवान नहीं है अखाड़ा में, क्या कहेंगे? पहलवानी कभी किए हैं वो? कभी पहलवानी किए हैं वो? तो ताक झांक कर रहे थे, ने उन्हें बोलते थे कि भाजपा के पास पहलवान नहीं है कि कोई हमको पटका नहीं दे रहा है। असली पहलवान से सबकी बारी भेंट हो जाएगा। क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव का? विकास, विकास। जनता से क्या आशीर्वाद मांगना चाहेंगे? जनता आशीर्वाद देगी और बिहार में एनडीए सरकार बनेगी और विकास होगा।